एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूपी पॉलिटेक्निक इवेंट सेमेस्टर वाले हमारे डियर स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अब 100% कंफर्म हो चुका है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आपकी परीक्षा फॉर्म भरने की डेट अनाउंस हो चुकी है। ये डियर स्टूडेंट्स आप नोटिस देख पा रहे होंगे, इस नोटिस के माध्यम से आपके परीक्षा फॉर्म की डेट आ चुकी है। आपको अपने परीक्षा का फॉर्म जल्द से जल्द सबमिट कर देना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जुलाई के लास्ट वीक में पूरी तरीके से संभावित है। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं कि आज के इस नोटिस में क्या है। नोटिस को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद अपने कॉलेज से संपर्क करके अपना फॉर्म जरूर जल्द से जल्द फिलअप कर लीजिएगा। इसमें लास्ट डेट भी बताई गई डियर स्टूडेंट, उसके अंतर्गत ही आपको अपना परीक्षा फॉर्म सबमिट करना है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है, प्रेषक कौन है? सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में समस्त प्रधानाचार्य परिषद से संबद्ध समस्त राजकीय अनुदानित निजी क्षेत्र की संस्थाएं। पत्राक संख्या इतनी है। कल की डेट में ये नोटिस आई थी डियर स्टूडेंट्स, 12 जुलाई 2021 को। विषय क्या है इसका? सम सेमेस्टर परीक्षा जुलाई 2021 द्वितीय चतुर्थ एवं खष्टम सेमेस्टर परीक्षा बैक पेपर एवं विशेष बैक पेपर परीक्षा जुलाई 2021 तथा वार्षिक परीक्षा जुलाई 2021 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं हेतु परीक्षा आवेदन पत्र यूराइज पोर्टल के माध्यम से भराए जाने के संबंध में महोदय कृपया अवगत कराना है कि सम सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई 2021 द्वितीय चतुर्थ एवं खष्टम सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं हेतु परीक्षा आवेदन पत्र यूराइज पोर्टल के माध्यम से भराए जाने हेतु पोर्टल दिनांक 12 जुलाई 2021, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, 12 जुलाई 2021 से 17 जुलाई 2021 तक खोला जा रहा है। मींस आपकी परीक्षा फॉर्म का आवेदन कल से ही स्टार्ट हो चुका है और ये आवेदन 17 जुलाई तक ही होगा, ठीक है। सेम सेमेस्टर परीक्षा जुलाई 2021 की शेष वार्षिक पद्धति परीक्षा जुलाई 2021 की परीक्षाओं हेतु छात्र छात्राओं को परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु अलग से सूचित किया जाएगा। परीक्षा आवेदन पत्र भराए जाने हेतु निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समयांतरागत समय के अंतर मतलब अपनी संस्था में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं का परीक्षा आवेदन पत्र भराया जाना सुनिश्चित करें। मीन्स ये नोटिस आपके कॉलेज के प्रधानाचार्य के लिए है। लिखा हुआ है, यदि पहला पॉइंट दिया है इसमें, यदि कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट संचालित है तो संस्था को इलेक्टिव सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। संस्था लॉगिन में एग्जामिनेशन लिस्ट प्रदर्शित होगा जिसे व्यू एवं वेरीफाई करना है। यदि किसी छात्र छात्रा का फोटो या सिग्नेचर नहीं है उसे संस्था द्वारा अपलोड करते हुए फॉर्म वेरीफाई करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप में कहीं फ़ोटो वगैरह सिग्नेचर वगैरह मिस्टेक है तो आप लोगों से मांगा जाएगा, उसको जाकर फिर से दे करके उसको अपलोड कराना है। यदि किसी छात्र छात्रा के नाम, पिता का नाम इत्यादि में कोई लिपिकीय त्रुटि है तो उसे संस्था लॉगिन एसयू लॉगिन में करेक्शन लिंक द्वारा रिक्वेस्ट अपलोड करते हुए निर्धारित अवधि में सही कराना सुनिश्चित करें। तो डियर स्टूडेंट्स, कई सारे बच्चे वैसे भी कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारा नाम वहाँ पर सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, कुछ गलत हो गया है। तो आप लोगों के लिए एक मौका है कि आप जाकर के अपने कॉलेज में मिल सकते हैं और वहाँ पर बता सकते हैं कि सर हाँ, हमारे फादर के नाम में या मेरे नेम में यहाँ पर ये मिस्टेक है, तो वहाँ पर रिक्वेस्ट डाल दी जाएगी और आपका सही हो जाएगा। रिक्वेस्ट अपलोड करते हुए निर्धारित अवधि में सही करना सुनिश्चित करें। यौन साथ ही आवेदन की एक प्रति अनुभाग 3 की ईमेल आईडी इतना पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। प्रकरण संवेदनशील एवं गंभीर है। यदि किसी कारणवश कोई छात्र छात्रा का परीक्षा फॉर्म समयांतर्गत भरने से वंचित रह जाता है तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा। मीन्स संस्था को खुद ये जिम्मेदारी दी जा रही है। वो आप लोगों से खुद संपर्क करके नोटिस के माध्यम से, आप लोगों का ग्रुप तो बना ही हुआ होगा, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम जो कुछ भी बना हुआ है उसके माध्यम से कॉलेज की तरफ से भी आपको सूचना आ गई होगी संभवतः। अगर आप लोगों को सूचना मिल गई तो मुझे भी एक बार बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है। संस्था का होगा। परीक्षा आवेदन पत्र भराने हेतु किसी भी दशा में तिथि विस्तार नहीं की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो भी लास्ट डेट हमने आपको बताई 17 जुलाई, उस 17 जुलाई से आगे अब डेट नहीं बढ़ेगी,
उसी के अंतर्गत सभी लोगों का परीक्षा फॉर्म भरा जाना है, यहाँ सख्त लिखा हुआ है। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए समयांतर्गत अपनी संस्था में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म यूराइज पोर्टल के माध्यम से भराना सुनिश्चित करें। तो डियर फ्रेंड्स, इस नोटिस को देखने के बाद, इसको पढ़ के सुनाने के बाद और आपको सुनने के बाद ये कंफर्म हो गया होगा कि आपका एग्ज़ाम अब 100% श्योर है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम ना कराना होता तो आपका परीक्षा फॉर्म ना भराया जाता। ठीक है, तो मैं हमेशा हर एक वीडियो में यही कहता रहता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरतें, आप लोग पढ़ाई करते रहें। अगर एग्ज़ाम नहीं भी होता है किसी भी कारणवश, तब भी वो आप लोग की कोई भी निगेटिव नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग यही सोच रहे हैं लगातार कि हो सकता है एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, और उसके कारण अगर आप अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं तो उससे आपका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। जब अचानक एग्ज़ाम की डेट आएगी तो आप परेशान हो जाएंगे। वैसे भी डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम का केवल दो ही पेपर होने वाला है। कितने भी सब्जेक्ट हों, सभी सब्जेक्ट को मिला करके आपकी केवल और केवल दो ही पेपर होंगे। इसलिए लगातार निरंतर आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हों तो आपके अपने इस चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर अप्लाइड मैथ सेकेंड की सफलता सीरीज चल रही है, जिस पर मैं डेली 7 PM पर मैथ्स के इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसमें ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ वो सभी के सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए संभावित है। बहुत सारे बच्चे उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे शायद इस वीडियो के माध्यम से नए भी जुड़ रहे हों तो उन्हें नहीं पता होगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सफलता सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा। तो प्रीवियस अभी तक 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, अगर उन 4 लेक्चर्स को आप लोगों ने मिस किया है तो वहाँ से जा करके आप लोग उनको देख सकते हैं। बाकी आज से ही शाम को 7 बजे से आप उस सफलता सीरीज को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेटर हो सके। अगर आपके माइंड में ये बात हो रही हो कि सफलता सीरीज का कोई चार्ज होगा, तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को हम बता दें कि सफलता सीरीज में ज्वाइन करने वाला प्रत्येक बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोस को देख सकता है। कहीं पर भी आपसे कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज वहां पर नहीं लिया जा रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन समझ में आई है, इम्पॉर्टेंट लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे सबकी हेल्प हो सके। परीक्षा फॉर्म बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रकरण है, वो किसी का छूटने ना पाए। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ शाम को 7 बजे। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।